सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग अपने विषय हिंदी में अपनी पाठ पुस्तक 36 भाग 2 से सूर्यकांत पाठी निराला जी के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हुए इनके द्वारा विरचित कविता का भावार्थ समझेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित आत्मकथ कविता का हम लोगों ने भावार्थ समझा था। उम्मीद है बच्चों की वह आप लोगों को समझ में आई होगी। तो अब हम सूर्यकांत पाठी निराला जी के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। सूर्यकांत पाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषा दल में सन 1899 में हुआ। जिस दिन इनका जन्म हुआ था शायद उस दिन वो बसंत पंचमी तिथि थी। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषा दल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। रामकृष्ण परमहंस जो कि गुरु थे स्वामी विवेकानंद जी के, तो यह उनके दर्शन से बहुत ही प्रभावित हुए थे। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया और सन 1961 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। निराला जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला जो है रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदास चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। मुक्त मतलब स्वतंत्र, किसी भी छंद में बंद उन्होंने कार्य नहीं किया। और निराला जी ने शोषित, उपेक्षित और पीड़ित और प्रताड़ित लोगों के प्रति अपनी कविता में जहां गहरी सहानुभूति का भाव प्रकट किया, वहीं शोषक जो प्रताड़ित करते थे लोग उनको शोषक और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव था। मतलब इन्होंने जो बड़े वर्ग के लोग थे उनका इन्होंने विरोध किया अपने रचनाओं के माध्यम से। तो अब हम कविता के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। जो कविता है तो उस कविता में उत्साह, एक उत्साह जो कविता का हम लोग भावार्थ करेंगे वो उत्साह है। तो उत्साह एक आवाहन गीत है। आवाहन मतलब जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो पहले आवाहन नहीं है होता कि उसे याद करते हैं, स्तुति करते हैं, ठीक है। तो उत्साह जो कविता है यह भी एक आवाहन गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है तो दूसरी तरफ वहीं बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। उसके बाद जो दूसरी कविता है वह अंत नहीं रही है, शीर्षक से संबंधित है। तो इस कविता में कवि ने फागुन की मादकता को प्रकट किया। फागुन जो बसंत का महीना होता है, फागुन जो फरवरी के आसपास, ठीक है, जो अब शुरू प्रारंभ होने वाला होगा कुछ ही दिनों में। तो कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में दिखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों की चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। अब हम लोग कविता का आदर्श वाचन करते हुए इसके भावार्थ को समझते हैं। बादल गरजो, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धारा धर ओ ललित ललित, काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मत उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन,
आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धारा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो बादल गरजो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बारिश होने से पहले आकाश में दिखने वाले काले बादलों के गरजने और आकाश में बिजली चमकने का अद्भुत वर्णन किया। जैसे कि आप लोग ये जो देख रहे हैं चित्र में दर्शाया गया है ना बादलों के स्वरूप को, ठीक है, तो ही कवि कह रहे हैं कि बादल गरजो, हे बादल आप जो है क्या कीजिए, गरजिए, जय घोष कीजिए, क्यों कीजिए, घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ, मतलब कि आप जो है घेर घेर कर जो है आकाश को जो है बादलों को धारा धरो को, धारा धर मतलब जो धार को धारण करते हैं अर्थात बादल, ठीक है, यहाँ धारा धर किसी को संबोधित किया गया, धारा धर से बादल को, कि ओ हे बादल ललित ललित काले घुंघराले। कब कहते हैं कि बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं और यह हमारे अंदर के सोए हुए साहस को भी जगाते हैं। आगे कभी बादल से कह रहे हैं कि हे काले रंग के घुंघराले सुंदर घुंघराले बादल, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो, तुम जो है पूरे आकाश में फैलो और खूब गर्जो। कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण करते हुए उसकी तुलना एक बच्चे से की है, क्यों, जैसे बाल कल्पना किससे पाले, मतलब उन्होंने किससे की है, एक छोटे बच्चे, तो यहाँ उन्होंने मानवीकरण किया है बादल का, ठीक है, जैसे कोई बालक जो है गोल मटोल होता है और जिसके सिर पर घुंघराले एवं काले बाल होते हैं जो कवि को बहुत प्यारे एवं सुंदर लगते हैं, तो इसी प्रकार यह बादल भी कवि को जान पड़ते हैं। आगे कल बादल की गर्जन में क्रांति का संदेश सुनाते हुए कहते हैं कि बादल बादल की गर्जन में क्रांति का संदेश सुनाते हुए कहते हैं कि बादल तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर उत्साह भर दो, बाल विद्युत विद्युत छब उर्मे, मतलब अपनी जो बिजली रूपी वो है गर्जन है, तुम विद्युत छवि उर्मे, मतलब कि इसकी जो आपकी पहचान है उस उर्मे, मतलब हमारे हृदय में तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो, पुरुषार्थ मतलब उमंग उत्साह भर दो, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, और इस तरह हमारे भीतर एक नए जीवन का संचार करो। बादल में वर्षा की सहायता से धरती पर नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है, क्योंकि जब वर्षा होती है तो चारों तरफ हरियाली हरियाली ही होती है, तो इसीलिए कवि बादल को एक कवि की संज्ञा देते हुए उसे एक नई कविता की रचना करने को कहता है। बज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, तो कवि कहने की है बादल आप गरजिए। बिकल 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 उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञान दिशा से अनंत के घन तप्त धारा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो बादल कर दो। तो बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाघ के सकल जन, तो कवि बादलों की क्रांति के प्रतीक मानते हुए यह कल्पना कर रहे हैं कि वह हमारे सोए हुए पुरुषार्थ को, मतलब पुरुषार्थ मतलब तेज को फिर से जगाकर हमें एक नया जीवन प्रदान करेगा, हमें जीने की नई आशा देगा। कभी इन पंक्तियों में कहते हैं कि भीषण गर्मी के कारण जो दुनिया में बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, भीषण गर्मी के कारण दुनिया में सभी लोग क्या कर रहे हैं, तड़प रहे थे और तपती गर्मी से राहत पाने के लिए छांव एवं ठंडक की तलाश कर रहे थे। विश्व के जो समस्त जन है, विश्व के सकल जन, वह जो है ऐसी कल्पना कर रहे थे कि जो है ठंडक आए आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप धरा जल से फिर शीतल कर दो, तो तभी हे बादल कि आप आइए और किसी दिशा से घने काले बादल आकर पूरे आकाश को ढक लीजिए, जैसे तपती धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती, फिर बादल घनघोर वर्षा करके गर्मी से तलपती धरती की प्यास बुझाकर उसे शीतल एवं शांत कर देते हैं। धरती के शीतल हो जाने पर सारे लोग भीषण गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं और उनका मन उत्साह से भर जाता है। आप लोग समझते ही होंगे कि जब गर्मियों का समय होता है तो हम कहीं रास्ते से जा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि कब छाया आ जाए, कब ये धूप जो है भीषण गर्मी समाप्त हो जाए, तो कभी वही कह रहे हैं कि जो है जब ऐसा मौसम होता है तो
लोग यही समझते हैं कि हे बादल आप आइए और कहीं ना कहीं जो है इस भीषण गर्मी को शांत कीजिए। तो बादल जो है आते हैं और अपनी शीतलता को मतलब बारिश करके के और शीतलता को देते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह धरती के सूख जाने के बाद भी बादलों के आने पर नए पौधे उगने लगते हैं, ठीक उसी तरह अगर आप जीवन की कठिनाइयों के आगे हार न माने और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखकर कड़ी मेहनत करते रहें तो आपके जीवन का बगीचा भी दोबारा फल फूल उठेगा। इसलिए हमें अपने जीने की इच्छा को कभी मरने नहीं देना चाहिए और पूरे उत्साह से जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। तो इसके बाद जो है इस कविता का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।